इट्स अ क्रिएटिव जॉब, आपको एक्टिंग करना नहीं, करवानी आनी है चाहिए, आपको क्या फ्रेम बनाना नहीं, बनवाना आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली डायरेक्शन सीखता है आदमी एडिट के ऊपर। तो जब एडिट पे आप बैठते हैं किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ तो आप बहुत सीखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं आज के दौर के, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। ये होता है कि फॉर्मल एजुकेशन आपका बहुत सा टाइम श्रिंक कर देती है। आप जो चीज़ इनफॉर्मली 10 साल में सीखते हो वो आपको 2 साल का एक कोर्स सिखाया था। मैं हूँ सैफी हसन और ये था मेरा जाविया। टीवी और इंटरनेट पर जब भी आप कोई मूविंग विजुअल देखते हैं, भले वो फिल्म हो या वो ड्रामा हो, उसके एंड में आपको सबसे पहले एक चीज पढ़ने को मिलती है, डायरेक्टेड बाय डैश। तो बेसिकली एक ड्रामा डायरेक्टर होता कौन है और वो करता क्या, और आप एक ड्रामा डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं, आओ जानते हैं। देखो, डायरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टर वो एक जरा वैसे भी वखरा काम है, मतलब इट्स अ क्रिएटिव जॉब। आपको एक्टिंग करना नहीं, करवानी आनी है चाहिए, आपको क्या फ्रेम बनाना नहीं, बनवाना आना चाहिए, आपको डील करना आना चाहिए उन लोगों से जो आपके अंडर काम करेंगे बतौर डायरेक्टर। तो डायरेक्टर तो एक की पोस्ट होती है। तो आप किसी भी फैक्ट्री में भी लगते हो तो आप जनरल मैनेजर तो बेटा 20 साल में बनते हो ना, तो डायरेक्टर जनरल मैनेजर होता है तो वो तो 20 साल में बनोगे, लेकिन उससे पहले के नीचे बहुत से काम होते हैं, लाखों रुपए पे कर रहे होते हैं। हमारा एक अच्छा असिस्टेंट होता है वो 1.5 लाख रुपए भी ले रहा होता है, जो एसोसिएट डायरेक्टर जो फर्स्ट असिस्टेंट होता है, जो अच्छा एडिटर होता है वो 2-2.5 लाख रुपए भी ले रहा होता है, जो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होता है वो 3-3 लाख रुपए भी ले रहा होता है। सैफी हसन इज अ पाकिस्तानी ड्रामा डायरेक्टर एंड एक्टर। एज अ डायरेक्टर ये ड्रामा सीरियल बड़ी आपा के लिए मशहूर हैं, जिसके लिए इनको हम अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर ड्रामा से भी नवाजा गया। दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने। और एक अभी रिसेंटली आने वाला ड्रामा अहद वफा के भी हिदायतकार यही हैं। हमारे एक उस्ताद थे शब्बर भोजवाला साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे, पता नहीं कहाँ है वो। वो कहा करते थे भाई जो भी तुम काम करो याद रखो उस काम में जो टॉप की कुर्सी है ना वो तुम्हारे लिए खाली पड़ी। झाड़ू भी लगाओ तो ऐसी झाड़ू लगाओ क्योंकि लोगों को पता होगा यार ये सैफ साहब ने झाड़ू लगाई तो ये देखो ये बेस्ट झाड़ू है। तो ये हमेशा करना चाहिए, ये आपको फिर आगे लेके जाता है। अगर आपके अंदर ये वाला पैशन हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ अगर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर लगाऊँ तो फिर डायरेक्टर को मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि यार ये इसको मैंने एक काम कह दिया है ना, अब ये सब हैंडल करेगा, उसकी सारी जो इंतजाम हैं वो भी करेगा, जो उसके अंदर गड़बड़े भंड आते हैं वो भी डील करेगा। उस बच्चे को ही मैं ज़्यादा सिखाऊंगा जो निचले लेवल पर ही मुझे दिखा देगा कि यार मैं अपने काम के मामले में पैशनेट हूँ, तो फिर मैं उसको करीब रखूँगा। ये ऑटोमेटिक बात है, ये भी मैं कोई जानबूझ के सोच के नहीं करूँगा, बट ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। यार एक बच्चे को मैं एक दफ़ा काम दिया, उसने कर दिया सही टाइम पे कर दिया, दूसरी मरतबा कर दिया, तीसरी मरतबा ये कर दिया, चौथी मरतबा मैं सोचूंगा यार अब ये मुश्किल वाला काम इसको देता हूँ, ये कर देता था वाला, तो मुश्किल वाला काम उससे सीनियर लोग कर रहे थे, समझ रहे हो, तो वो फिर आगे आ जाता है। इस हाउ इट रन्स, दुनिया में हर काम में ऐसे होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ड्रामा डायरेक्टर बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि सैफी हसन साहब की अपनी जर्नी क्या है। जो इस फील्ड की तालीम है डायरेक्शन के लिए, ये 1997 और 1998 के अरसे में मैंने PTV एकेडमी से एक डिप्लोमा किया था, जो कि एक्चुअली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का UNDP का एक इदारा एक प्रोजेक्ट था, पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया। उस ज़माने में पाकिस्तान में सैटेलाइट टेलीविज़न नहीं आए थे, लेकिन उनकी सुनगुन शुरू हो गई थी, तो UNDP ने उस वक्त एक थिएटर के लोगों को लेके और उनको टेलीविज़न प्रोडक्शन की एक ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद मैंने फॉर्मल एजुकेशन कोई नहीं ली इस प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए उस प्रोजेक्ट के बाद, लेकिन मैंने फिर उसके बाद काम बहुत अलग अलग तरह का किया। मैं शुरू में कैमरा किया, मैंने कोई 2 साल तक कैमरा मैनी के तौर पे काम किया। उसमें उस ज़माने क्यों टेलीविज़न ड्रामा इतना नहीं बनता था, प्राइवेट प्रोडक्शन में बहुत कम काम होता था, तो हमें तो कभी कोई डांस परफॉर्मेंस मिल गई, शीमा के साथ काम करते थे हम थिएटर में तो उनकी डांस परफॉर्मेंस मिल गई, कभी कोई एक BBC की डॉक्यूमेंट्री थी माइकल जैक्सन कम्स टू मानिकगंज, वो 5 शहरों में शूट होनी थी, एक आनंद पटवर्धन की थी राम के नाम,
इन सब में मैंने कैमरामैन के तौर पे काम किया। फिर उस जमाने में थोड़ा बहुत काम मुझे मिलने लगा, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि आदमी कुछ सर्वाइव कर सके। तो मैं सुबह में स्कूल में पढ़ाता भी था, लेकिन फिर 1999 में मुझे एडिटिंग का काम ज़्यादा इंटरेस्ट करने लगा, फिर मैं एडिटर बन गया। तो क्योंकि एक्चुअली डायरेक्शन सीखता है आदमी एडिट के ऊपर, तो मुझे एडिटिंग के उस्ताद बड़े अच्छे मिले। तो जब एडिट पे आप बैठते हैं किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ तो आप बहुत सीखते हैं। तो वो मेरा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। फिर 2005 में हमने फेयर एंड लवली किस्मत के सितारे करके एक लीवर ब्रदर्स का प्रोजेक्ट था, उसमें सिंगल सिंगल प्लेज होते थे। तो वो सुल्ताना आप उसके अप्रूव डायरेक्टर्स थे, तो वो सुल्ताना अपन ने एक दो मरतबा अपनी मसरूफियत के बिना पर मुझे भेज दिया शूट पर। अब जब वो लिवर वालों को पसंद आया तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने नहीं किया, ये बच्चे ने किया है, तो वो उनका बड़ापन था समझो। फिर वहाँ से कहानी डायरेक्शन की शुरू हुई और फिर चलती चली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपके जहन में सवाल ये आएगा कि क्या ड्रामा डायरेक्टर बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है? देखो, ज़रूरी और गैर ज़रूरी का तयन करने वाले हम कौन होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं आज के दौर के, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। मिसाल के तौर पे फारूक रिंद है, क्या कमाल का डायरेक्टर है, बड़े कमाल के ड्रामा बनाते हैं, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उसकी। सिराज है, सिराजुल हक, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, कमाल का डायरेक्टर है। मतलब इस फील्ड की फॉर्मल एजुकेशन लोगों की नहीं है। हसीब हसन की कौन सी इस फील्ड की फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन बस ये लोग ने टाइम लगाया है। ये होता है कि फॉर्मल एजुकेशन आपका बहुत सा टाइम श्रिंक कर देती है। जैसे आप जो चीज़ इनफॉर्मली 10 साल में सीखते हो वो आपको 2 साल का एक कोर्स सिखाएगा और फिर उसके बाद आपकी डेवलपमेंट शुरू रहती है। तो ये होता है कि आपका वो टाइम श्रिंक हो जाता है जो आपने इनफॉर्मली टाइम लगाते हो, उसके मुकाबले में फॉर्मल एजुकेशन वो जल्दी सिखा देती है। लेकिन ज़रूरी तो मैं नहीं कह सकता ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं है ना। आप एग्जाम्पल्स ही प्रूव करते हैं चीज़ों को अपने पॉइंट को। तो मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है कि यार फलाने बंदे ने फॉर्मल एजुकेशन ली थी वो इतना बड़ा डायरेक्टर बन गया, फलाने ने इनफॉर्मल ली थी वो नहीं बन सका। हमारे पास ज़्यादा शोएब मंसूर ने कौन सी फॉर्मल एजुकेशन ली है? इस काम की खास बात ये है कि वो अपना काम को छुपा नहीं सकता, आपको दिखाना ही पड़ेगा, दिखा के चलता है। तो आप तो सबका काम नज़र आ जाता है। अब आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसके काम के पीछे जो उसकी थॉट है उसको आप पकड़ सकें। देखो, अब जो दौर आ गया है ना, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको फॉर्मल एजुकेट कर रही हैं, फॉर्मली एजुकेट कर रही हैं, तो कोई बड़ा डायरेक्टर कोई भी नहीं चाहेगा एक अनट्रेंड बंदा आ जाए। लेकिन जैसे मैं हूँ, अगर मुझे तुम बड़ा डायरेक्टर मान लो, मेरे पास जितने असिस्टेंट्स हैं जो अभी तक जिनके साथ मैंने काम किया है, आई डोंट रिमेंबर एनीवन जिसने के कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हो। हाँ, एक था अभी पिछला वाला जहाँ मैं मेरे साथ, एक था जो NCA का ग्रेजुएट था। इसके अलावा जो मेरे फर्स्ट असिस्टेंट थे वो सब बहुत एक्सपीरियंस किए हुए लड़के हैं, जो स्पॉट बॉय आए थे, किसी छोटे लेवल पे उन्होंने काम शुरू किया था, सेकंड थर्ड AD, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर करके। तो एक्सपीरियंस से होता है, आपको जाहिर है कभी भी कोई एक अनएक्सपीरियंस बंदा, कोई भी बड़ा डायरेक्टर, बड़ा डायरेक्टर से मुराद जो था सीनियर डायरेक्टर होते हैं अपनी कई कई साल से, 20-25 साल से काम कर रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि असिस्टेंट जो है उसको हर चीज़ समझानी ना पड़े, वो समझा समझाया हो, क्योंकि उनका हक होता है भाई। इतने साल वो खुद लगा चुके हैं तो वो अब बैठ के ट्रेन थोड़ी करेंगे। अब जो ट्रेनिंग होगी वो उनकी, उनके साथ उन लोगों की ट्रेनिंग होनी होती है जो बहुत सी बातें समझ चुके होते हैं, उनको बस डायरेक्शन की समझ नहीं होती। मेरे कितने असिस्टेंट थे जो अब डायरेक्टर बन गए, अच्छे बड़े डायरेक्टर थे माशाल्लाह, एक दो सीरियल असिस्ट किया, आगे बढ़ गए, अब डायरेक्टर हैं। तो ये होता है कि बस आपको कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती, आपको निचले लेवल पे शुरू करना पड़ता है, आपको थर्ड AD के तौर पे आना पड़ता है, आपको बाद अवकात वॉलंटियर के तौर पे शुरू करना पड़ता है। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे TADA मिल जाए, आने जाने का किराया मिल जाए, लेकिन आप ज्वाइन करते हैं। हमने तो ऐसे ही किया है, हमने तो मतलब बगैर किसी पैसे के लगे हुए थे, ये जितने कोर्स वोर्स भी किए इसमें कोई पैसे थोड़ी मिल रहे थे, अपनी ज़िंदगियाँ छोड़ छोड़ के तनख्वाहें कटवा कटवा के जाते थे सीखने के लिए। तो ये तो होता, हर फील्ड में होता है। असल चीज़ जो है ना, वो अगर आपके अंदर पैशन है ना, तो मैं कहता हूँ फिर सारी ज़िंदगी आप फेल नहीं हो सकते, पैशन होना चाहिए। अगर पैशन नहीं है, देखो, या तो आदमी बुद्धू हो, दो तरीके होते हैं, दो बातें होती हैं, या तो आदमी बुद्धू हो
कि जी उसको थोड़ी समझ ही कम है, जनरल समझ कम है। तो फिर दूसरा तरीका होता है कि आदमी काम चोर होता है, मेहनत से घबराता है, वो पीछे रह जाता है। अगर आदमी मेहनती भी है, समझदार भी है और पैशनेट है अबाउट गेटिंग इन टू दिस फील्ड, तो फिर नोबडी कैन स्टॉप हिम। फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए बस और घुस जाना चाहिए। फाइनल वजह तो बाहर अल्लाह ताला ही होता है, कामयाबी देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में होती है। मैं तो भाई अल्लाह का बिलीवर हूँ और मैं ये समझता हूँ, लेकिन कोई वजह नहीं होती इंसान की कि इंसान ये सोच के मेहनत करना छोड़ दे कि यार नहीं मेरा तो काम नहीं बन रहा। आप लगे रहो, इफ यू ट्राई एंड डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। उम्मीद है आपको हमारी कैरियर काउंसलर सीरीज़ की पहली एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में मजीद कोई फील्ड हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है। मैं हूं सैफी हसन और ये था मेरा जाविया।